धार जिले की कुक्षी विधानसभा में जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें यात्रा का ऐतिहासिक स्वागत करने के लिए कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी ने बूथ लेवल के कार्यकर्ता तथा मंडलों के अध्यक्षों को जन आशीर्वाद यात्रा को भव्य बनाने की अपील की। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी, जन आशीर्वाद यात्रा जिले के प्रभारी मुकाम सिंह किराड़े, भाजपा कुक्षी विधानसभा प्रत्याशी जयदीप पटेल सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। आज की जो प्रेस वार्ता है, भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में 5 स्थानों से जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। इसी तारंतर में धार जिले में भी जन आशीर्वाद का प्रवेश जो खंडवा से निकली है, 10 तारीख को धामनो और धर्मपुरी विधानसभा में पधारेगी। उसके बाद 13-14 को गंधवानी, मनावर और कुक्षी विधानसभा में, उसके बाद 17-18 को बदनावर, सरदारपुर और धार विधानसभा में जाएगी। आज जन आशीर्वाद यात्रा की हम जब शब्दों की समाचार देख रहे हैं, अपार सफलता मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी का जो रिपोर्ट कार्ड है हमारी इस 3 साल की सरकार का और इसके पहले की 17 साल की सरकार का, वो रिपोर्ट कार्ड लेके हम जनता के बीच पहुँच कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये जन आशीर्वाद निकाल रहे हैं। और उसी के तारतम्य में प्रत्येक विधानसभा में तैयारियों को लेकर बैठक चल रही है। कार्यकर्ता और जनता में अपार उत्साह है। निश्चित ही जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम सभी सीटें धार जिले की विजय प्राप्त करेंगे। ज्योतिराज जी सिंधिया, नरेंद्र सिंह जी तोमर और आदि नेता है हमारे प्रदेश के, शिवराज सिंह जी, कैलाश जी एवं अन्य नेता, वी डी भाई साहब, सभी इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। हमारे धार विधान धार पूरे जिले के अंदर 7 सभा है। कहीं पर केंद्रीय नेतृत्व आएगा, कहीं पर प्रदेश का नेतृत्व आएगा और स्थानीय नेतृत्व भी और हमारे प्रत्याशी भी इसको संबोधित